और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट होती है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. आज हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर एंड इट्स नॉन एज कोवेलेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इस द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. जैसे फॉर एग्जांपल CO NH3 का CO NH3 का होल को Cl Br SO4. तो इसमें लिगेंड क्या है? अमोनियम चार अमोनियम है, क्लोरीन ब्रोमीनियम है, टोटल छह लिगेंड है. सल्फेट हमारा काउंटर आयन. तो देखो क्लोरीन हमारा क्वेश्चन एक्सचेंज करेगा. सल्फेट अंदर आकर क्लोरीन हमारा बाहर चला जाएगा. एक क्वेश्चन लीजिए क्लोरीन, एक संभावना और बनती है. अब क्लोरीन बाहर चला गया, अब ब्रोमीन बाहर जाएगा, क्लोरीन अंदर आ जाएगा. का आप क्या करते
लिगेंड और लिगेंड अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है। हमारा लिगेंड कौन है? अमोनिया और क्लोरीन। तो यहां पे क्या होगा? सेंट्रल एटम वही रहेगा, यहां पे सेंट्रल एटम वही रहेगा। अब लिगेंड ये अमोनिया इधर चला जाएगा और ये क्लोरीन इधर चला जाएगा। ये क्या हो गया? Cl4 NH3 का कर दिया। तो कुल मिलाकर आपने चारों आइस मैरिज में ये देखा कि क्या कि स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। हमारे चार एग्जांपल क्या हुए? स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज। अब हम बात करते हैं स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरेज की। व्हाट इज स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरेज? स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरेज मींस अराइज ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम और यू कैन से दैट लिगेंड्स की जो रिलेटिव पोजीशन है वो 3D स्पेस में चेंज होती है। ये दो टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज और ऑप्टिकल आइसोमेरेज। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज मींस अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन 3D स्पेस। अभी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है? जैसे अभी फौजिया जी बता रही थी फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन में क्या था भाई? सिग्मा बॉन्ड है, फ्रीली रोटेशन हो रहा है, ये हमारा फ्री रोटेशन हो गया। अब मैं इधर ये कर दूं, ये पाई बॉन्ड आ गया, ये हमारा पाई बॉन्ड है। अब यहां पे ग्रुप का एटम का ये रोटेशन हो रहा है ना। तो ये देखो आप स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, जब स्ट्रेन बढ़ रहा है तो बॉन्ड क्लीवेज हो सकती है। तो ये एक एक जगह तक आके हमारा रोटेशन रुक जाएगा, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। ठीक है, कितना देर, कितनी देर का? 2 मिनट कर देते हैं। तो एक लास्ट टॉपिक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बहुत लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वाड्रेंट नंबर 4 में कर लेते हैं आइसोमेरेज का डिस्कशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज में क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में आप जानते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो टाइप के आइसोमेरेज होते हैं, DSP2 और SP3। DSP2 में क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और SP3 में क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। DSP2 ही हाइब्रिडाइजेशन शो, ये क्या नाम कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती है। SP3 में रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, इस वजह से हमारे DSP2 टाइप के कॉम्प्लेक्स ही पड़े हैं, क्या नाम कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज शो करते हैं। और छोटा कर देता हूं मैं समय को, एक एग्जांपल ले करके MA2B टाइप, MA2B2 टाइप, MA2B2 टाइप। आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा सिस स्पेसिंग एंटी कैंसर ट्रीटमेंट एजेंट। ये डायगोनल क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म हो गई।